नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, वजीर हज रहीम खान बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हज टर्मिनल पहुंचकर हाजियों का इस्तकबाल किया और इंतजाम का जायजा लिया। वजीर हज के हमरा जुल्फिकार अली टिप्पू और मुजाहिद पाशा और नोडल ऑफिसर सिद्दीक पाशा और कई कमेटी मेम्बरान मौजूद रहे। सुनिए वजीर हज की जबानी। कुमार जी, सभी लोग हमारे हाजी भाइयों के लिए मदद किए हैं, तो मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और खासकर मैं और जमीर भाई मेन इसमें सब हिस्सा लेके जिम्मेदारी लेके काम किए हैं, तो आप मुझे जमीर भाई को और पूरी टीम को और पूरे जितने ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, एयरपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट CSI वाले, हेल्थ डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन, कस्टम्स, 25 डिपार्टमेंट इसमें मदद किए। सर, अभी जो है रूम में जो है वहाँ के जो रूम में शिकायत है, क्या हमारी कर्नाटका की सरकार इसका जिम्मेदार है या सेंट्रल से जिम्मेदार है? सर नहीं, देखिए वहाँ पे मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को तो लोग बात करते नहीं। सऊदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत हुई है और हम जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट को और हज कमेटी ऑफ इंडिया को बात करते थे, मेल भेजते थे। यहाँ पे पूरे 25-30 ऑफिसर्स बैठे थे बेंगलुरु में हज कमेटी में, तो उन्होंने जब का जब जिसके जिसके प्रॉब्लम होते थे इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट को मेल के जरिए से होंगे और बातचीत के जरिए से बात करते थे और हम भी इमीडिएट बात करते थे उनको, तो उन्होंने भी वहाँ से फिर सऊदी गवर्नमेंट को इमीडिएट मेल करते थे, बात करते थे। तो ये लाखों की तादाद में रहने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा। सर, अभी जो वहाँ पर कुछ हाजी इंतकाल हुए हैं, तो हिंदुस्तान के हाजियों का कुछ आंकड़ा आपको मालूम है? जी, हिंदुस्तान के आंकड़े जो है ना, कम से कम 68, लगभग 70 के करीब तक हमको मालूमात हुए हैं। उसमें बेंगलुरु के दो, एक अब्दुल्ला भाई और एक हमारे कौसर बेगमबल के दो जने जो कहाँ के हैं, सब आठी नगर से हैं, जिनका इंतकाल हुआ है। वहाँ पे धूप बहुत थी और वहाँ की गवर्नमेंट भी बोली थी धूप में नहीं निकलना बोल के, और वो 5 बजे तक बंद भी कर डाली थी जाने के लिए, मगर हमारे हाजी भाई पहले मौका मिलने के इसमें धूप में निकल गए। कई लोग धूप के अंदर
आपको मालूम है कितनी भागदौड़ होती है वहाँ पर, तो उसके वजह से हुआ बोल के हमको मैसेज है। इंशाल्लाह वो तो जन्नती है, जो भी वहाँ पे कुछ नसीब है जिनका भी इंतकाल होता है वहाँ पर, वो दुआएँ करते हैं लोग के हमको ऐसे मुकाम मिले वैसा। सर अभी जो इंतकाल हुए हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुआवजा मिलेगा सर? वो मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हो सकता है क्या बोल के हम बाद में बताएंगे। शुक्रिया सर। फोर सिक्स फोर फाइव